हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि SEO क्या होता है और SEO कैसे किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ SEO का क्या मतलब होता है। 90% लोग जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है ये सिर्फ 10% ही लोगों को पता है। तो आज मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता देता हूं क्या होता है। तो बने रहें वीडियो में एंड तक और मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि SEO कैसे किया जाता है। अपनी वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अपने चैनल को, अपनी वीडियो को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है आपको कि आपकी जो चैनल है, आपके जो चैनल की वीडियो हैं वो टॉप 5, टॉप 3, टॉप 1 रैंक करें, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मतलब अपना जो चैनल से उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, इस तरह से उसको मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से आपको, जो आपकी वीडियो और आपका चैनल कोई नाम डालते ही आपका फर्स्ट और सेकंड और टॉप 5 में ही आ जाए आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ SEO किन किन चीज़ों पर किया जाता है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ वेबसाइट्स के लिए भी SEO किया जाता है। वेबसाइट के लिए ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO ये दोनों किए जाते हैं। वेबसाइट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज SEO क्या होता है। जैसा कि कोई हमारी वेबसाइट है, उसका जो इंटरफेस होता है आप देखते हैं, उसके अंदर लोगो लगा रहता है, टाइटल लगा रहता है, हमारे आप इंटरफेस काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, ये सारे ऑन पेज SEO में आते हैं। अगर जो मैं ऑफ पेज SEO की बात करूँ तो मतलब ऑफ द पेज, ऑफ पेज SEO के मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसा आर्टिकल्स, व्लॉग्स, वीडियोज एंड सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब ऑफ पेज SEO में आते हैं। ये तो वेबसाइट के लिए था, लेकिन हमें आपको बताना है कि वीडियो के लिए कैसे SEO किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थंबनेल का भी SEO होता है, ठीक है। थंबनेल के बाद थंबनेल का SEO होता है, और टाइटल का SEO होता है, डिस्क्रिप्शंस का SEO होता है, और टैग्स का SEO होता है। इन सब का SEO कैसे किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। सर्च करना सबसे पहले तो हम अपना, जैसा मानने की बात है, हमारी वीडियो है, एक मैं वीडियो अपनी अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, और जिसका टाइटल है हाउ टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं ये मेरा वीडियो का टाइटल होगा, और जब मैं इसको यूट्यूब पर सर्च करूँगा, यूट्यूब में सर्च करूँगा तो वहाँ पर बहुत सारी सजेशंस में वीडियो आ जाएंगी, जिनको आप देख करके वहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अब सर्च का मतलब बता देता हूँ। जैसे हमने ये टाइटल सर्च किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, राइट, ऑप्टिमाइजेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ सर्च इंजन क्या क्या होता है। जैसा गूगल है, ये एक सर्च इंजन है, याहू है, ये एक सर्च इंजन है, यूट्यूब है, एक सर्च इंजन है, मतलब जितनी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है सबके सब आज के टाइम में सर्च इंजन बन चुके हैं, जहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सजेशंस में वीडियो मिल जाएंगी। तो जब आप वहाँ पर अपना टाइटल सर्च करोगे सर्च इंजन में, मतलब याहू में या गूगल में या यूट्यूब में, आप इस तरह का टाइटल सर्च करोगे कि हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि हमें क्या टाइटल में मतलब रखना चाहिए, और वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब हमें इसका थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है। थंबनेल कैसे बनाना है, वहाँ से उसका आइडिया मिल जाएगा कि अभी टॉप मोस्ट कौन सी वीडियो रैंक कर रही है, तो वहाँ से आपको थंबनेल का भी आइडिया ले लेना है, ठीक है। ये थंबनेल की बात हुई, मैंने आपको टाइटल के बारे में बता दिया, अभी चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो जैसा आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता रहे हैं कि सर्च इंजन कैसे किया जाता है, उसको कैसे हम अपने वीडियोज़ को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कैसे अपने चैनल्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं रैंक में लाने के लिए, इसी तरह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन भी हमें उसी से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं तो जब हमारे चैनल्स पर कोई न्यू व्यूवर्स विजिट करता है तो डिस्क्रिप्शन देखता है काफ़ी अट्रैक्टिव है। जैसा ये मेरा टॉपिक है SEO कैसे करते हैं, या व्हाट इज़ SEO, इसके बारे में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है।
अगर जो कोई हमारी वीडियो, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कोई वीडियो देखना पसंद नहीं करता तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसके बारे में पढ़ सकता है कि बेसिकली ये हमें क्या बताना चाह रहा है वीडियो में। इसलिए डिस्क्रिप्शन का ये होता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे चैनल्स होते हैं या न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन भी वर्ड जो आया था वो इसी से आया था कि मतलब उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब कर देते हैं कि वीडियो कहाँ, कब, क्यों, कैसे, क्या घटना हुई, किसके द्वारा हुई, क्यों हुई, कंप्लीट उसके बारे में डिस्क्राइब कर देते हैं। अगर जो कोई हमारी वीडियो को देख चाहता है कि हम देखना ही नहीं चाहते तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो पढ़ लेता है वहाँ से। तो ये डिस्क्रिप्शन का काम होता है, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। और अभी मैं बात करता हूँ टैग्स की, ठीक है। आपके वीडियोज़ में जैसे आपकी वीडियो का जो टाइटल है जिसको हम पब्लिक करेंगे, जिसको मैंने अभी बताया था हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, जब आप ये, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं एक वेबसाइट से जिसका नाम है रैपिड टैग्स, ठीक है। वहां पर आप ये अपना टाइटल डालोगे हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट तो वहां पर आपको लॉट ऑफ टैग्स मिल जाएंगे। वहां पर आप तो सर सबको कॉपी नहीं करना है, जो आप सिलेक्टेड हों, जो आपको कैची लग रहे हों कि हाँ लोग हमारी वीडियो को इस तरह से सर्च कर सकते हैं। कि मतलब हमें सबसे पहले जब टैग्स लगाने होते हैं तो हमें लोगों को, जो लोगों का जो माइंड है उसको थोड़ा सा रीड करना होता है कि हमारी वीडियो को सेकंड पर्सन मतलब देखने वाला किस तरह से सर्च करता है यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किस तरह से सर्च करता है। तो वही उसी के मतलब जब हम टैग्स लगाते हैं तो हम एक एज ए व्यूवर्स लगाते हैं, मतलब ना कि एज ए एंकर लगाते हैं या ना कि एक एज ए पब्लिशर लगाते हैं। तो मतलब हम एज ए व्यूवर्स लगाते हैं कि ये वीडियो हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं किसी दूसरे की। मानने की बात है हमें अभी एक वीडियो सर्च करनी है कि अपने वीडियो को रैंक पर कैसे लाएं। अगर जो हम ये टाइटल्स YouTube में सर्च करेंगे तो लॉट ऑफ वीडियो आ जाएंगे वहाँ पर। तो यही इसी तरह से हम अपने वीडियो के भी इसी तरह से टैग्स लगाने हैं कि हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टैग्स आ चुके हैं। तो आपसे आप इनमें से वही टैग्स लेने हैं जो आपको कैची लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हुई टैग्स की बात। तो मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में बता दिया है कि सर्च इंजन क्या होता है और व्हाट इज़ एसईओ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि थंबनेल कैसे लेना है, मतलब कहाँ से आपको आइडियाज़ ले सकते हैं थंबनेल्स के, ठीक है। उसके बाद टाइटल के बारे में मैंने बताया और डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया है। और अभी आपको यह टैग्स वाला भी पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का जो हमारा आज की जो हमारी जो वीडियो है एसईओ की, एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ क्या होता है और कैसे हम अपनी वीडियो को सर्च में ला सकते हैं, कैसे अपने चैनल को सर्च में ला सकते हैं, मैंने आपको कम्प्लीट बताया इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।